ब्राजीलियन आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो भाग में इनको डिवाइड किया है, टू ग्रुप्स. सो द कोस्टल आइलैंड्स, टू ग्रुप्स आर कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड्स. कोस्टल आइलैंड जो कि ब्राजील के कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड है, ये जो ब्राजील का कोस्ट है ना, इसके ऊपर जो भी आइलैंड्स आते हैं उनको कोस्टल आइलैंड्स कहा जाता है. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, मेरा जो आइलैंड ऑन माउथ ऑफ अमेजोन रिवर, यहाँ पे जो कि अमेजोन रिवर के माउथ के ऊपर बेस्ड है, उसका नाम है मैरिजो आइलैंड. और मरीन आइलैंड्स आर वेरी फार फ्रॉम मेनलैंड, मेनलैंड से बहुत दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स दूर है वो, यहाँ नॉर्थ एटलांटिक ओशन में, साउथ एटलांटिक ओशन में, यहाँ पे सिचुएटेड है. ओके, दिस आइलैंड्स इन आर रॉकी इन नेचर एंड आर सबमर्ज इन ऑन माउंटेन. रॉकी इन नेचर मतलब ये सब पत्थर से बने गए हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स स्टोन से बने गए हैं. और सबमर्ज ऑन माउंटेन मतलब माउंटेन के ऊपर सिचुएटेड है ये सब आइलैंड्स. इन आइलैंड्स में बहुत सारा माउंटेन्स है, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं. और ये आइलैंड को कोरल रीफ एंड एटॉल टाइप के आइलैंड्स हैं. कोरल रीफ मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जब रिवर्स के साथ में सॉइल रॉक जब पानी के साथ में बहते हैं तो एक जगह पे जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो लैंड बनता है उसको कोस्टल आइलैंड्स बोलते हैं. एटॉल का मतलब है लैंड और एरिया कवरिंग वाटर बॉडी और होली इन होल और सम पार्ट, इसको कोरल आइलैंड्स कहा जाता है और इसको एटॉल आइलैंड्स कहा जाता है.